हाँ मात, कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहा दूर, फिलहाल हम जा रहे हैं, क्या नाम है मालक अपना, क्या नाम है कराची आइसक्रीम वाले। ये क्या नाम है, क्या होता है बोलो? हम जा रहे हैं बस कराची आइसक्रीम। ये क्या नाम है, क्या है बताना पड़ता है, क्या नाम है? अच्छा क्या नाम है, वो हो जाता है क्या नाम है, के आई ए। तो वो हो जाता है के आई ए, क्या नाम है? तुम बोल लो क्या नाम है। नोटी बंदे हो यार, अबे तो तुम सही नहीं बोलते हो यार, मेरे व्यूवर्स को अगर परेशानी हो सुनने में फिर क्या होगा बताओ? मतलब यही है यार। नहीं, ये की के आई ए, ये क्या नाम है, एन ए एम ई, नाम एच ए वाई ए। व्हाट इज मीन बाय क्या नाम है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? A few moments later. हाँ सही है, जाओ जाओ ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर करो, करो करो, चलो चलो चॉकलेट मंगवा लो जाओ। वो बच्चा भी सोच रहा है, वो बोल रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं भाई। मेरा बच्चा भी बैठा हुआ है, ये जो बच्चा सामने आइसक्रीम निकाल रहा है। सही है। हाँ तो अम्माद भाई, ये दो आइसक्रीम के कप है, लेकिन यार अम्माद भाई ये जो ना ज्यादती हो जाएगी के इसी लाइन के अंदर तीन शॉप्स आइसक्रीम की और हैं, और जो है ना मॉडल कॉलोनी में, समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, मॉडल कॉलोनी में तीन शॉप्स हैं ना आइसक्रीम की, कराची आइसक्रीम के नाम से। तो भाई यहाँ तीन शॉप है ना यार, अल्पाइन भी आ गए, तो हम वीडियो यहाँ पे मॉडल की बना रहे हैं यार। अच्छा चलो तुम बोल लो। देखिए इस मॉडल कॉलोनी में तीन शॉप्स हैं, एक कराची की है, पहली लाइन में कराची पड़ेगी, फिर बीच में जो अल्पाइन पड़ेगा, फिर उससे आगे जो है क्या नाम है पिशावरी पड़ेगी, पिशावरी आइसक्रीम। हाँ सही है। हम जो है तो भाई सुन, रुको, मैं चैलेंज ले रहा हूँ आज कैमरे के सामने, कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ कि ना मैं पहले तीनों क्या कहते हैं आइसक्रीम जगहों की टेस्ट कर लूँगा ना अलग अलग व्लॉग में, यानी कि अब मेरे जो अगले तीन व्लॉग आएंगे उनमें मैं तीनों जगह के आइसक्रीम के पहले रिव्यू करवाऊँगा, उसके बाद फिर एक व्लॉग में बताऊँगा कि किसकी आइसक्रीम बेस्ट है। सही है। तो अभी ये इसकी ये टेस्ट कर लेते हैं, चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने ये ना ये तो तुम दांत निकाल ले हो ना। बस ये आती है बस। नहीं आज तुम बताओ, आज तुम सबके सामने बता दो। नहीं बताओ बताओ। नहीं ना, अरे बताओ क्या बताना बत्तीस। तो भाई बताना तो पड़ेगा किस बात पे ऐसी हंसी आती है इनको, अभी पूछेंगे। देखो बच्चा सिर्फ आइसक्रीम पकड़ के खड़ा हुआ है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। चले वीडियो बनाए ना, आइसक्रीम खत्म होने का मौका दो, समी खाने का, क्या तुम ही खा दो रोगे क्या? मैं पकड़ा। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, चलो 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 मान भाई, टेस्ट अच्छा, चॉकलेट फ्लेवर का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रही है। मेरा तो खैर फेवरेट जो है चॉकलेट फ्लेवर ही है, और समी का जो है, समी का भी चॉकलेट फ्लेवर है, तो हम लोगों ने जो एक ही फ्लेवर ऑर्डर कर दिया था, एक ही फ्लेवर मंगा लिया हम लोगों ने, चॉकलेट फ्लेवर का। सही, अच्छा है टेस्ट। ये नहीं बोलोगे इसका अच्छा है भाई, अभी और तीन भी टेस्ट करनी है आगे आगे। यही कह रहा हूँ, अभी हमने यहाँ पे आए ना कराची पे, बीच में अल्पाइन पे जाएंगे, वहाँ पर भी टेस्ट चेक करेंगे, और क्या नाम है इसी लाइन में पिशावरी है, वहाँ भी चेक करेंगे। तो भाई बहुत अजीब सा मैंने चैलेंज ले लिया है कि जो है ना तीनों आइसक्रीम के टेस्ट चेक करके बताना है। चलो कोई नहीं, ले लिया तो ले लिया, बल्ला मालिक है। हम आपको आने वाली वीडियो में बताते हैं किसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। तो भाई पूरे पूरे जो है ना, कितने मिनट लगे हमें खाने में? 15 मिनट तो हमें लग ही चुके हैं इसको ख़त्म करने में। इतना छोटा सा कप है, आप देख सकते हैं खाने में हम लोगों को 15 मिनट लगे भाई, क्या बताऊँ बस मैं। बहुत ठंडी थी यार, बहुत ठंडी थी बहुत भाई। चले फिर हम आपको आगे आएंगे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, इसी लाइन में आगे आएंगे आपको बताते हैं, अल्पाइन का टेस्ट बताएंगे आपको, और इसी लाइन में जो है छावरी जो उसका टेस्ट बताते हैं हम आपको। अच्छा वैसे आप एक बात बताओ, व्यूवर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, मेरे दोस्तों की भी थी, जो मेरे पर्सनल है, कि तुम काम क्या करते हो? मेरा काम तो रहेगी मकसद साइड का काम है, ऑल राउंडर काम है, साइडों पे काम, फर्नीचर पॉलिश का काम, खिड़की दरवाजे पॉलिश, मोटर पॉलिश का काम। अच्छा तो यानी कि तुम मुझे ज़रा इस बात के ऊपर बताओ कि हाँ, तो बड़ी अच्छी बात की कि ये जो लोग जो पुराना जो लेते हैं इसको जो न्यू करके बनाते हैं जी, बिल्कुल
लोग अगर पुराना लेते हैं इसको न्यू करके बनाते हैं, इस पर जो है मतलब जो माल मटेरियल नहीं लगा हुआ होगा। अच्छा, ये सब पागल बनाना है। हाँ, जिसको अगर इस चीज़ में मालूम है ना, इस बंदी को इस चीज़ में मालूम है इस फील्ड में, अगर वो पुराना लेके अगर माल सारा मटेरियल बाहर आती पॉलिश पेंट में बता रहा हूँ ना, जैसे कारपेंटर में जैसा मतलब पॉलिश करवाता है, माल सारी आती है बात मटेरियल के ऊपर, जितना भी साफ कर लो, ये बात आपने बड़ी अच्छी करी भाई, इसको जितना भी साफ कर लो ना, कुछ टाइम बाद उसके बाद फिट मट्टी जमना शुरू हो जाती है, तकरीबन बिना 15 से 20 दिन की शाइन देती है उस फर्नीचर के ऊपर, वो खराब हो जाता है। तो अम्मा भाई भैया मुझे ये बताइएगा, अरे कहना क्या चाहते हो? अम्मा भैया मुझे ये बताए के जो फर्नीचर के रेट इतने ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कहते बस बात हुई है, एक मार्केट टाइम में फर्नीचर बनता है, ठीक है, मेनली कारपेंटर से लेके उसकी पॉलिश भी होती है, फाइनल जो स्कीम है पॉलिश की है, कारपेंटर जो बनाता है सूती जो होती है फर्नीचर में पॉलिश से आती है, पॉलिश में जो है जैसे कि कारपेंटर फील्ड में जो अलग अलग लकड़ी की शाम का वो होता है, शाम बहुत सी शाम होती है लकड़ी की, और उसमें जो है प्लाई का भी शाम होता है, तो आप मुझे अच्छा और जैसे लकड़ी में एसिस में प्लाई में भी यानी कि एसिस में पॉलिश में भी एक साथ होती है, दाना पॉलिश होती है, सिंगलर पॉलिश होती है, लेगर पॉलिश होती है, तो यानी कि आप मुझे ये बताएं कि जो लोग जो है बस पुराने फर्नीचर के ऊपर पॉलिश करके भेज देते हैं, लोगों को पागल बनाना है? मतलब नहीं, देखें बात हुई है ना, तो ये जो पुराने के जो ये आते हैं ये तो खैर अलग फुल टॉपिक पे बात है, वो डिफेंस में 10 लाख का शोरूम पे खड़ा हुआ है सही, और एक जो है फर्नीचर वही फर्नीचर उसी डिज़ाइन का, वही शाइन वही चमक वगैरह सब कुछ मैं अपनी लियाकत मार्केट में देख रहा हूँ, तो उसमें ज़रा आप ये बताएं कि फ़र्क क्या रह जाता है? जी तो ये आपने बड़ी सारी बात की, इसमें फ़र्क क्या आता है, अगर आप डिफेंस से जो है अगर अपना फर्नीचर जो है परचेज करते हैं, और दूसरी बात अगर आप कह रहे हैं कि लियाकत मार्केट से अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें ये फ़र्क है, देखिए थोड़ा मैं वही बात कर रहा हूँ माल मटेरियल का फ़र्क है, अब डिफेंस में जो है ये बात हो सकती है क्या नाम है, वहाँ का जो माल मटेरियल अच्छा है डिफेंस का। यार मुझे तो ये लगता है कि अगर जो मैंने चीज़ यहीं पर ही देखी है ना, तो भाई उसके जो है ना सिर्फ मेरे लग रहा है कि जगह के पैसे हैं, क्योंकि डिफेंस बिल्कुल ऐसा भी है, मैं आपको ये बोलने आ रहा था कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का अगर बंदा देखे दो नज़रियों से, और दूसरी बात जो है माल की भी उसमें जो मटेरियल का भी इशू आता है, और क्या नाम है जगह का जो है जो रेट जो ज़्यादा होते हैं हाई, जैसे खाली ग्रोथ हो गया नर्सरी हो गया, इसका जो माल की मटेरियल है वो लगा के देंगे माशाल्लाह। फर्स्ट प्राइस का क्या कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास माल मटेरियल लगा के देंगे। तो भाई आज तक के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा नंबर आपको कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।